अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ मानदंड ऑप्शन का एक सवाल लिया था है? क्या डिस्कस कर लो। हाँ हाँ, इनमें फर्क क्या है? करंट वो नहीं, मैंने तो ये भी बता दिए थे। करंट स्टैंडर्ड वो है जो बता दिए थे, करंट स्टैंडर्ड वो है जो अभी इस वक्त की परफॉर्मेंस के मुताबिक स्टैंडर्ड बनाया है। अभी इस वक्त जो हमारा हालात चल रहे हैं कि एक मिनट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, 1 मिनट बनाने में 3 किलो मटीरियल लगता है, उसी को यूज करके स्टैंडर्ड बना दिया। ये करंट स्टैंडर्ड है। बेसिक स्टैंडर्ड वो है जो पिछले 8-10 साल से एस्टैब्लिश प्रैक्टिस बनी हुई है, उनका एक एवरेज समझ लें, उनको सामने रख के बनाया जाएगा तो वो बेसिक स्टैंडर्ड है। नी ये मैं वेरियस में कराऊंगा, वेरियस पढ़ाते हुए करा दूंगा कवर। हाँ भाई, प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स मार्जिन अब्जॉर्प्शन का एक सवाल दिया था। किया है ट्राई कि नहीं किया? किया। है क्या समझ गई? अच्छा ये कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? नहीं तो वो सॉफ्ट कॉपी दे तो दी थी, गुम हो जाती है। प्रोसेस का डाटा है और मार्जिन अब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट बनानी। ये ना भी कहता तो वर्किंग में तो करना पड़ता, भारत से अलग से कह दिया, तो ये तो प्रॉपर प्रोसेस कॉस्टिंग है। ये ईपी और ये कॉस्ट पर यूनिट। ईपी में एक मसला ये होगा कि आप क्वांटिटीज कैजुअल्स में नहीं बना सकते। कैसे बन गए बताएं सर, बनाए ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस 400 और इनपुट है? नहीं नहीं बनाया ना, किसी ने बताया ना बनाए? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने के लिए पहले क्वांटिटी स्कैडल बनाना पड़ता है ना, प्रोसेस तो वो नहीं बन सकता इस सवाल में। जो प्रोसेस कॉस्टिंग वाला क्वांटिटी स्कैडल है वो इसमें नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों नहीं, तो इसलिए हमें इसके लिए कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, और वो और रास्ता ये है कि अब हमें फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्कैडल बनाना पड़ेगा। फिनिश गुड्स का क्वांटिटी स्कैडल बनाएंगे तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितनी, बल्कि मैं दोबारा क्यों बना रहा हूं, ओपनिंग फिनिश गुड्स 600, क्लोजिंग 900, सेल्स ये यहां से निकलेंगी प्रोडक्शन, ये प्रोसेस का आउटपुट है। और इस सवाल में प्रोसेस में कहीं कोई लॉस नॉर्मल एबनॉर्मल है? नहीं। तो हमें क्वांटिटी ईपी बनाने के लिए क्वांटिटी स्केड्यूल चाहिए था,
नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो हमें बस आउटपुट ही चाहिए थे ना, तो बस ठीक है आउटपुट मिल गया। ये प्रोडक्शन, ये प्रोसेस का आउटपुट है, तो बस आउटपुट ही चाहिए था। अब वो जरूरत है नहीं बनाने की, फिर भी अगर बनाना चाहें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आउटपुट, ये निकल आया 5800, वो ये आउटपुट है क्लोजिंग। इनपुट निकल आएगा बैलेंस करके, लेकिन इनपुट का क्या करना है, निकाल है? कुछ भी नहीं करना हमें, असल में इसका नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस होता तो जरूर इस पूरे की जरूरत पड़ती है ही नहीं कहीं, तो बस आउटपुट चाहिए, तो वो हमें यहीं से पता चल गया। फिर भी अगर किसी ने वर्क इन प्रोसेस वाला क्वांटिटी स्केड्यूल बना लिया तो ठीक है, बना लिया, कोई मसला नहीं। क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई मसला है तो और पर यूनिट कॉस्ट के लिए ये जो करंट पीरियड कॉस्ट दी हुई है, मटेरियल ये है और कन्वर्जन मिला के दे दिए, तो वर्क इन प्रोसेस नहीं, प्रोसेस कॉस्टिंग और मार्जिन अब्जॉर्प्शन का मिक्स सवाल हो तो आपको कहा था कि हमें इनको तोड़ना पड़ेगा। तो ये टोटल है, ये अंदर फिक्स्ड है, डिफरेंस ले लें तो वेरिएबल आ गया, और डिवाइड ये कॉस्ट पर यूनिट बन गई। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, ये पार्ट बी में पूछा हुआ था, पार्ट डी में, पार्ट डी हो गया। अब मार्जिन अब्जॉर्प्शन का सवाल, तो इसके लिए आपको तरीका बताया था कि जैसे हम पर यूनिट कॉस्ट की वर्किंग प्रोसेस कॉस्टिंग में करते हैं वैसे ही करें, ये कर ली, इसको फिर रीअरेंज करके इस चक्कर में लिख लें। जैसे ये मटेरियल 13282, ये 13282 वेरिएबल कन्वर्जन, ये वेरिएबल कन्वर्जन, इनका सम किया, और ये फिक्स कन्वर्जन, तो ये फिक्स कन्वर्जन जो वहीं पर निकालनी थी ये वही अब रीअरेंज करके, क्योंकि मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का सवाल करना था, उस चक्कर में लिख दी। ये कॉलम क्यों चाहिए? ओपनिंग फिनिश गुड्स के लिए। कल जो मैंने खुद सवाल बना के दिया था उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू दी हुई थी, अब निकालनी पड़ेगी, इसलिए हमें ये फिगर्स चाहिए। और ये काम पहले एक दफा कर चुका हूं डिस्कस, कि पिछले से ये इतनी बढ़ गई हैं कि 2018 2017 से इतना इंक्रीज हो गया हुआ है, तो मटेरियल 105 बन गया हुआ है और कन्वर्जन 110 बन गई हुई है, तो ये यहां से हम पिछले साल की फिगर तक पहुंच गए। और फिक्स पे भी ये काम मजबूरन इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि पिछले साल का कोई डेटा ही नहीं है हमारे पास। मैंने कहा था कि वेरिएबल चीजों पे हम ये काम कर सकते हैं, फिक्स के लिए टोटल के जरिए आना पड़ेगा, तो पिछले साल का कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है हमारे पास। पिछले साल की पर यूनिट बनाने के लिए कोई डिनोमिनेटर होता तो पर यूनिट बनाते ना, तो इसलिए मजबूरन इसके साथ भी ये सलूक करना पड़ा। तो मजबूरी में ठीक है चल गया काम, ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट मार्जिनल एब्जॉर्प्शन के स्टाइल पे। फिर और क्या काम करते हैं हम, सीओजीएम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, ये वो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकाली गई। कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट समझाता हूं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बीडी जो नया इस महीने काम हुआ और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी कल जो मैंने खुद सवाल दिया था उसमें गिवन था, अब निकालना पड़ रहा है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो होता है जो पिछले साल, तो अगर आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ना तो मुश्किल हो सकती है कैलकुलेट करनी। आप सोचें आप पिछले साल के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ये पिछले साल, अब आप पिछले साल पे पहुंच जाए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, मटेरियल में पूरे हैं, तो इनकी कॉस्ट निकालने के लिए मटेरियल पे पूरा और कन्वर्जन 400 का 60, पिछले साल का ये क्लोजिंग होता, पिछले साल का ईपी बनता, तो मटेरियल के पूरे 400 आ रहे होते और कन्वर्जन वाले कॉलम में 240 आ रहे होते, तो 400 पे मटेरियल वाला रेट और 240 पे कन्वर्जन वाला रेट। ये रेट कहां से आया, ये बात फिर देखें, हम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट बीडी क्यों निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड के लिए ना, तो ये फिगर नहीं दी गई है, खुद निकालनी पड़ रही है। तो अगर आपको खुद निकालनी पड़ रही है तो उसका तरीका बता रहा हूं कि आप इसको पिछले साल का क्लोजिंग बना के सोचेंगे ना तो आसानी होगी, क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाते हुए किसकी कॉस्ट निकाला करते हैं, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग की ओपनिंग की, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है।
तो अगर आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकालनी है, क्यों निकालनी पड़ रही है इसमें, क्योंकि गिवन नहीं थी, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट सोच के निकालेंगे तो मुश्किल होगा। आप सोचें आप पिछले साल के क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए आपको पिछले साल के यूनिट और पिछले साल की पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। तो पिछला साल जब ये 400 यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस थे, तो पिछले साल के ईपी में ये 400 लिखते और कन्वर्जन में 240 लिखते, तो 400 के ऊपर ये वाला रेट और 240 के ऊपर मार्जिनल का सवाल कर रहे हुए तो ये रेट, एब्जॉर्प्शन कर रहे हुए तो ये दोनों, ये किया हुआ मार्जिनल का सवाल करते हुए सिर्फ वेरिएबल वाला, एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए दोनों। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी कैलकुलेट किया, ये बीडी लिख लिया। हाँ, वो जो बाद वाला है वो हमें इस महीने का, इस साल का लेना पड़ेगा, क्योंकि फाइफो मेथड है कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालते हुए, ये तरीका होता है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बीडी लिखना होता है, वो दिया नहीं था। इस महीने इन पे क्या काम हुआ है, मटीरियल लगाया, कन्वर्जन लगे तो कन्वर्जन लिखा, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद इसका तरीका भूल भाग देना, प्रोसेस कॉस्टिंग जो ईपी में लिखे हैं उनके ऊपर इस महीने वाली पर यूनिट कॉस्ट, और स्टार्टेड कंप्लीटेड के लिए इन पूरे पे पूरी वाली पर यूनिट कॉस्ट। तो इस 160 पे सिर्फ कन्वर्जन लगाई और इस 54 पे पूरी कॉस्ट लगाई, तो 160 के ऊपर, 160 के ऊपर सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट, मार्जिन का सवाल कर रहे थे तो वेरिएबल कन्वर्जन, एब्जॉर्प्शन का कर रहे थे तो दोनों कन्वर्जन, और स्टार्टेड कंप्लीटेड के ऊपर सारी कॉस्ट, मार्जिन का सवाल कर रहे थे तो ये, एब्जॉर्प्शन का कर रहे थे तो ये। ये निकल आई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये यहां इनकम स्टेटमेंट के फेस पे जाएगी। और ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स कैसे, यूनिट्स दिए हुए, पर यूनिट कॉस्ट ये, ओपनिंग के ऊपर ये वाली रेट, क्लोजिंग के ऊपर ये वाला रेट। मार्जिनल सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ओपनिंग पे ये, क्लोजिंग पे ये, एब्जॉर्प्शन का सवाल कर रहे हैं तो ओपनिंग पे ये, क्लोजिंग पे ये, ये इनकम स्टेटमेंट के फेस पे किया। यूनिट्स दिए हुए सवाल में, ओपनिंग फिनिश गुड्स पे 17 वाला रेट, क्लोजिंग फिनिश गुड्स पे 18 वाला रेट, मार्जिनल का सवाल है तो, और एब्जॉर्प्शन का सवाल है तो। एडमिन सेलिंग सब दिए हुए हैं और फिक्स्ड एफओएच भी दिए हुए हैं। ये इनकम स्टेटमेंट सवाल की रिक्वायरमेंट बी, आपने इसमें जिन्होंने भी किया है कोशिश जी, ये वाला ओपनिंग फिनिश गुड्स मार्जिनल के सवाल पे ये लगेगा, एब्जॉर्प्शन पे ये लगेगा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स मार्जिनल के सवाल में ये लगेगा, एब्जॉर्प्शन के सवाल में ये लगेगा। जिन्होंने भी की है कोशिश इसमें इनकम स्टेटमेंट में बताएं और क्या पूछना है। संदी लग रही है, कर दे यार ऊपर कर दे। इनकम स्टेटमेंट में और मसला, रिकंसिलेशन सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन मैंने कहा था कर दें, तो ये रिकंसिलेशन भी मैंने सॉल्व करके दिखा दी जी बिल्कुल, तो ही रिकंसाइल होगा वो, चूंकि पर यूनिट कॉस्ट राउंड ऑफ की भी नहीं, इससे 2 रुपए का फर्क आ रहा है जी। फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग, ये फिगर कैसे निकलेगी, मार्जिन एब्जॉर्प्शन की फिगर्स का डिफरेंस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली फिगर कैसे निकलेगी, इनका डिफरेंस, चाहे इसका डिफरेंस ले लें चाहे इसका डिफरेंस ले लें, फर्क तो कन्वर्जन में ही है ना। क्लोजिंग कैसे निकलेगी, ये जो कल वाले सवाल में भी बताई थी खुद कराए हुए, क्लोजिंग के यूनिट्स और उस पर फिक्स्ड वाला रेट, तो क्लोजिंग के यूनिट्स 320 और उस पर 2851। और इस सवाल में बताएं क्या पूछना है, चले मार्जिनल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मिक्स बस बहुत है, डन।
वेरिएंस के कल तीन फार्मूले बताए थे, भूल भाल गए होंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट पे मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस, जितना मटेरियल लगा और जितना मटेरियल लगना चाहिए था, क्वांटिटीज रेट स्टैंडर्ड वाला, रेट 50 रुपए ही लगना था, सिर्फ क्वांटिटीज का फर्क यह था कि जितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी और जितनी क्वांटिटी लगी। SQ into SC - AQ into SC, वही इंटरप्रिटेशन ही बता रहा हूं ना कि जो टोटल कॉस्ट में फर्क आया, कितना फर्क मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा लगने की वजह से, ये मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस है। तीन फार्मूले कल बता समझा दिए थे, अगले जी मैंने एंड पे टैली करके दिखाई थी बात आपको। हाँ, रेट का वेरियंस लेते हुए एक्चुअल क्वांटिटी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नया रेट लगा किस पे? जितनी एक्चुअल खरीदी उसी पे रेट लगाया ना, तो उसी को पे वेरियंस निकलेगा। पेज टू पे इलस्ट्रेशन वन सॉल्व कर दें, नोट्स में पेज टू इलस्ट्रेशन वन सॉल्व कर दीजिए आप अभी। क्या जी? नोट्स में पेज टू पे पहली ही इलस्ट्रेशन, Thank you.
इतनी देर का तो सवाल ही नहीं है यार। प्राइस वेरिएंस कितना? प्राइस वेरिएंस 1.6875 फेवरेबल। क्वांटिटी वेरिएंस 37500 नेगेटिव। बस ठीक है, जबरदस्त हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी? स्टैंडर्ड कार्ड में हमने एक किलो कितने का सेट किया हुआ है? 15। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी? 22,500। दिया तो है 22,500 सीधे है, 22,500 केजी ही है और क्या है? 22,500 केजी लिखा तो है केजी। पर यूनिट में क्यों कर दें? टोटल वेरिएंस निकाल दें, एक्चुअल क्वांटिटी है कितना मटेरियल एक्चुअली इस्तेमाल हुआ है? क्या मतलब? हाँ हाँ, हम टोटल कर रहे हैं सारा कुछ। मैंने आपको कल डब्बा पढ़ने को कहा था, कल आपको जब फार्मूले पढ़ने को कहे हैं तो डब्बा भी कहा था पढ़ने को उसके साथ। क्या होता है एक्यू? पूरा पढ़े, क्या लिखा हुआ डब्बे में मैंने? एक्चुअल टोटल क्वांटिटी, या ये सारे नोट्स आपके लिए लिखे हुए हैं। एक्चुअल टोटल क्वांटिटी है एक्यू, और एसक्यू क्या है? स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी। तो ये सारा कुछ टोटल में हम कर रहे हैं। 22,500। आगे एक्चुअल कॉस्ट कितनी? 14.25। 22,500। कैसे पता चलेगा फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? फार्मूले ही सेट ऐसे किए हैं कि पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल है। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। हैं? कल आए थे? नहीं आए थे। कॉमन लेके कर ले इसको। स्टैंडर्ड कॉस्ट 15। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है कि जितने यूनिट फिनिश गुड्स के बनाए यानी 5,000, उनके लिए कितने टोटल किलो लगने चाहिए थे? 4 × 5,000 कितने? 20,000 माइनस 15 × 22,500।
इसमें देखिए इसमें क्या मसला। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दोनों को ऐड करते हैं, 16875 माइनस 37500 2062 5। अच्छा आपको ये फार्मूला भी आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ 4-5 वेरियंस नाम लेके पूछे हो जिनमें ये दो ना हो, ये हो बस, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो उसका फार्मूला क्या है? हाँ जी, इसमें बताइए कोई फिगर भी, किसी को समझ नहीं आ रही तो। तो बेटे वो पर यूनिट है ना, तो सर मैंने एक्चुअल को भी पर यूनिट पे क्यों किया ऐसा? अरे तो जब हम वेरियंस निकाल ही टोटल रहे हैं कि टोटल कितना फर्क आया, तो क्यों कर रहे हैं पर यूनिट इसको? करना है टोटल, है ना, ये कॉन्सेप्ट है ही टोटल के, टोटल कितना फर्क आया। पूछे भाई सेशन वन में जो और सवाल पूछने किसी ने, शर्माए नहीं पूछ लें। फिर सोच लें, ये एडवर्स नहीं, कुछ नहीं पूछना। क्या कंफ्यूजन है बताए? हाँ तो याद तो फिर बेटे आस्ता आस्ता ऐसे ही होगा ना, बार बार याद करना पड़ेगा। अच्छा किसी मासूम इंसान को ये मसला हो कि एस सी इंटू एस क्यू करना है कि एस क्यू इंटू एस सी करना है, ये तो नहीं ना मसला। अच्छा एक इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी। जी बोले, इसमें अगर हम एक्चुअल कॉस्ट लें फिर तो वो सही गलत होगा ना। देखे मेरी बात सुने, इन दोनों का फार्मूला बनाने के लिए ये वाहिद मकसद नहीं है कि इनको मिलाएं तो ये बन जाए, ये इनकी जिंदगी का वाहिद मकसद नहीं है, मीनिंग भी कन्वे होना चाहिए। मटेरियल क्वांटिटी वेरियंस में, मटेरियल प्राइस वेरियंस में हम क्या बता रहे कि जो हमने मटेरियल खरीदा उस पर सोचा 15 रुपए थे लेकिन 14.25 लग गए, इससे जो टोटल फर्क आया वो प्राइस वेरियंस है। किस क्वांटिटी की बात हो रही है जो 14.25 में मिली, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी? एक्चुअल क्वांटिटी। तो प्राइस वेरियंस सही तभी निकलेगा जब हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज करेंगे। आप पूछ रहे हैं कि वहां एसक्यू एसक्यू रख लें और यहां एक्यू एक्यू रख लें या एक्चुअल कॉस्ट रख लें, ये कह रहे हैं ना। तो मकसद सिर्फ इनको मिला के ये चीज बनाना नहीं है, प्राइस वेरियंस है ही यही कि जो हमने मटीरियल असल में खरीदा वो कितने का मिला और कितने का मिलना चाहिए था। तो 14.25 में कितने किलो है जो मिले हैं, एसक्यू या एक्यू? तो इसलिए यहां एक्यू ही आएगा। अब जब यहां पर हम लोग क्वांटिटी वेरियंस निकाल रहे हैं और वो हमने नई प्राइस पे कैलकुलेट कर ली, तो वो जो प्राइस का फर्क ऊपर कैलकुलेट किया था वो फिर मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, इसलिए ये एसक्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट से कैलकुलेट होता है। इसमें नहीं ले सकते एक्चुअल कॉस्ट, उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं ले सकते, कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। कोई गुंजाइश नहीं है कि शायद कोई गुंजाइश निकले, नहीं, इसमें एक्चुअल क्वांटिटी ही लेनी है, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट ही लेनी है। क्या हो गया?
क्या टोटल आंसर? वो जो उस मामले की बात कर रहा है, मकसद सिर्फ टोटल सेम लाना नहीं होता ना भाई। टोटल सेम बैलेंस शीट का तब भी आ जाएगा जब आप कैश को नॉन करंट एसेट्स में लिख दें, तो भी बैलेंस शीट का टोटल सेम ही आ जाए। तो मकसद टोटल सेम करना नहीं होता है। जो प्राइस वेरियंस का कॉन्सेप्ट है, वो प्राइस वेरियंस का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जितने यूनिट्स इतने के, जितने किलो इतने रुपए के खरीदे सोचे थे वो इतने रुपए के मिले। तो ये तभी पता चलेगा जब AQ यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में AQ ही है और इस फॉर्मूले में SC ही है, ठीक है जी। फेवरेबल होगा कि जो खर्चा होना चाहिए था उससे कम हुआ। जी जी बिल्कुल, ये अगर एक्चुअल कम हुआ तो ये फेवरेबल बात है, एक्चुअल ज्यादा हो गया तो एडवर्स बात है। और पूछें इसमें से जो पूछना है, किसी ने कुछ नहीं पूछना? ये 20,000 कैसे निकला? क्या किया? हाँ क्यों? आप बताएं, ये मोबाइल कैसे निकला 20,000 किलो? 20,000 किलो कैसे निकला है? तो 20 बनता है, 20,000 कैसे बने? क्यों किया है? 20,000 किलो कैसे बना ये पूछ रहा हूं। अच्छा, उधर एंड पे सर ब्राउन कमीज। हाँ, ये क्या है 20,000 किलो? ठीक है, ये ग्रीन शर्ट, यहाँ पे लाइट ग्रीन शर्ट। हाँ, पर किलो के चार। हाँ ठीक, ये क्या है 22,500? क्या है, क्या चीज है? अच्छा ठीक है, ये तो लाइट ब्लू शर्ट वो ग्लासेस के साथ। हाँ, ये 15 रुपये क्या है? 15 रुपये, 15 रुपये क्या है ये? स्टैंडर्ड। अच्छा, जो हंसा था, हंसे तो बहुत सारे थे। सबसे पहले कौन हंसा? आप बताओ। ये ब्राउन शर्ट, ये मरीजेश, हाँ जी, ये क्या है 15 रुपये? क्या होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट? अरे 15 रुपये की क्या इंटरप्रिटेशन है कि एक यूनिट इतने का बनना चाहिए? हमने स्टैंडर्ड सेट किया है कि एक यूनिट इतने का बनना चाहिए। यस, हाँ भाई, येलो शर्ट, ये क्या है 15 रुपये? क्या है इसकी इंटरप्रिटेशन? 15 रुपये, एक यूनिट 15 रुपये का बनना चाहिए। फिर बोलो ना, 15 रुपये क्या है? अभी मेरा पूछने की बारी है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, 15 रुपये क्या है? इतने का एक किलो मिला, 15 रुपये का एक किलो मिला, पक्की बात? स्टैंडर्ड है कि एक किलो इतने रुपए का होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है?
एससी इंटू एक्यू एसी इंटू एक्यू, ये आपको फार्मूला याद तो बेटे करना पड़ेगा। मैं एक दो टिप्स सिर्फ बता रहा हूँ, दो टिप्स इनफैक्ट, उसके अलावा कुछ और आपके जहन में हो तो बेहतर है। जब हम आगे पीछे पढ़ेंगे ना, अभी तो मैंने मटेरियल पढ़ा है, लेबर ओवरहेड भी पढ़ाने, या तो हम रेट का वेरियंस ले रहे होंगे या क्वांटिटीज का वेरियंस ले रहे होंगे। लेबर में क्या कर रहे होंगे, आर्स का वेरियंस ले रहे होंगे या उनके वेज रेट का वेरियंस, यही चलेगा आगे। जब रेट का वेरियंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल है, जब क्वांटिटी का वेरियंस ले रहे हैं तो रेट स्टैंडर्ड है। जब रेट का वेरियंस ले रहे हैं तो क्वांटिटी एक्चुअल रखनी है, जब क्वांटिटी का वेरियंस ले रहे हैं तो रेट एक्चुअल रखना है। एक ये टिप है, शायद काम की हो। दूसरी टिप ये है कि स्टैंडर्ड माइनस से पहले आना है, एक्चुअल माइनस के बाद आना है। स्टैंडर्ड माइनस से पहले, एक्चुअल माइनस के बाद। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ तरीके बनाना चाहें तो याद तो यार आपने ही करना है। कॉन्सेप्चुअली आप जरूर चला करें, लेकिन सवाल करने के लिए फार्मूले और टेबल यूज किया करें, क्योंकि पेपर के प्रेशर में कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाते हैं। पेपर में बैठ के नहीं कॉन्सेप्ट याद आ रहे होते। कॉन्सेप्ट समझाता भी हूं और आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि आपको जो फार्मूले और टेबल बना के दिए होते हैं, आप क्लास वर्क होमवर्क करते हुए फॉलो कर रहे हुआ करें फॉर्मेट्स, लेकिन रिकॉल अपने आप को बार बार करते जाया करें कि क्यों हो रहा है ऐसा। पूरे 3 महीने आप ये काम करें, उससे फॉर्मेट से सॉल्व करना भी पक्का हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी पक्के हो रहे होंगे। अगर पेपर में सवाल उसी तरह का हुआ जिस तरह से करते आए हैं तो बेफिक्र होकर फॉर्मेट से चलें, लेकिन हो सकता है कोई बहुत डिफरेंट सवाल हो तो इसलिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, लेकिन दोनों चीजें साथ चलानी। चलें वापस पेज 1 पे आए। जी दोबारा अच्छा, मैंने कल भी एक बात की थी कि अगर आप इस फॉर्मूले को इस तरह लिखना चाहें, स्टैंडर्ड कॉस्ट ब्रैकेट में एस क्यू माइनस ए क्यू, तो सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप इसी को याद करके आगे चलिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें ये टोटल फिगर दी होगी। इवन के कुछ ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें ये टोटल फिगर इस तरह से नहीं बन सकेगी, 4 अलग अलग रेट होंगे, कुछ किलो पे कोई रेट होगा, कुछ किलो पे कोई रेट होगा, तो ब्रैकेट में कौन से वाले को कॉमन ले रहे होंगे। ये जो मैंने यहां पर लिखा है इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए क्यू इंटू। अब सवाल में 4 तरह के एक्चुअल कॉस्ट होंगे तो ब्रैकेट में कौन सा वाला माइनस करेंगे, तो इसलिए आपको ना मैंने कॉमन वाले तरीके से नहीं कराया, इस तरीके से कराया, वरना वैसे अभी तक तो ठीक ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी से ये याद रखना शुरू कर दिया तो जिन सवालों में नहीं चलेगा फिर, तो इसकी शुरू से याद ही ये वाला रख के चलिए। जी मटेरियल हमने इस साल एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए, कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स के बनाए, फिनिश गुड्स की क्वांटिटी मटेरियल की क्वांटिटीज दो अलग अलग चीजें हैं, स्पेशली इस चैप्टर में तो लाजमी अलग है, तभी तो वेरियंस का चैप्टर होगा। कितने यूनिट्स बनाए हैं, 5000। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस ये है कि उन 5000 यूनिट्स पे बनाने के लिए एक्चुअली कितना खर्चा लगा और कितना खर्चा लगना चाहिए था, ये मटेरियल कॉस्ट वेरियंस है। ये फर्क दो वजहों से है, एक रेट का भी फर्क है और क्वांटिटीज का भी फर्क है। मटेरियल प्राइस वेरियंस ये है कि इसमें से कितना फर्क प्राइस चेंज होने की वजह से, और मटेरियल क्वांटिटी ये है कि इसमें से कितना फर्क क्वांटिटी चेंज होने की वजह से। ये इंटरप्रिटेशन, जब हम लोग प्राइस वेरियंस ले रहे होंगे हम उस वक्त क्वांटिटीज का फर्क बीच में नहीं डाल सकते, और जब क्वांटिटीज का फर्क ले रहे होंगे तो प्राइस का फर्क नहीं डाल सकते, वरना तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, हम तो रखी दोनों को अलग रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन यह है कि जितनी प्रोडक्शन हुई इतनी मटेरियल कॉस्ट होनी चाहिए थी और इतनी हुई, ये डिफरेंस मटेरियल कॉस्ट वेरियंस है, उसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट को फर्दर एनालाइज कर रहे हैं कि रेट चेंज की वजह से कितना और किलो चेंज की वजह से कितना। केस 2 पे आए, और अब चूंकि मैंने इस टॉपिक में जबानी फार्मूले वहां से पढ़ाने हैं बहुत सारे, तो इसको मैं स्लाइड पे ही दिखाता हूं।
वरना मैं आपको कहता हूँ फलाने पेज पे आए, इधर उधर चले जाते हैं। मटेरियल के वेरिएंसेस पढ़ा रहा हूं। केस वन क्या था कि जितने किलो टोटल इस महीने में साल में खरीदे उतने ही इस्तेमाल भी हो गए। इसमें एससी एसक्यू एसी एक्यू क्या है, आगे सारे फार्मूलों में ना मैंने ये एसी ए आर एच ए यूज करने हैं बार बार, ये समझाए हुए कि ये क्या है। देखें ये जो ये अल्फाबेट्स है ना, ये याद रखने निस्बतन आसान होंगे, इसलिए इनको ऐसे लिखा जाता है। वरना अगर 25 फार्मूलों में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वालिटी फॉर इतने इतने सारे बड़े बड़े वर्ड लिख देंगे फिर याद नहीं रहेंगे, इसलिए इनको इस तरह से हमें सिंबल के ही साथ याद करना पड़ेगा। ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे अगर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। इन फार्मूलों में इस केस में ये तीन फार्मूले हैं। केस टू, जितने किलो खरीदे उतने यूज नहीं हुए, ज्यादा हुए या कम हुए उतने यूज नहीं हुए। अच्छा अभी ना मैं आपको सारे फार्मूले जो पढ़ाऊंगा समझाऊंगा भी और उनके छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे इलस्ट्रेशन वन कहा, ऐसे हम करते भी जाएंगे ताकि फार्मूले में फिगर्स पुट करना आए, फिर उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो एग्जाम क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि ये है कि ये है, अगर आपको सवाल के अंदर मटीरियल की परचेजेस भी नजर आ रही है, यूजेज भी नजर आ रहे हैं तो पहचाना जाएगा ना, तो इस तरह ये पहचाना जाएगा। और अगर परचेजेस यूजेज बस एक ही बताया दूसरे का कुछ कोई हिंट ही नहीं है तो बराबर ही होते, तो ये मुश्किल नहीं होगी आपको पहचानने में कि केस वन है कि केस टू है। केस टू पे आते हैं। अच्छा केस टू को मैंने आगे मजीद दो सिनेरियोस में बांटा हुआ है, एक ए है एक बी है। ये जो ए और बी है ना, अभी आपकी क्लास की हालत को देखते हुए मैं ये नतीजे पे पहुंच रहा हूं कि मैं पहले अक्सर एवी नॉलेज के लिए इनकी तफसील भी बता देता होता था, लेकिन जरूरत नहीं लगती है ना, सारी कॉस्ट तो सब समझ आ रही है, सिर्फ यही मैं नहीं बता रहा था, तो अब ये बता दूंगा तो आप पीएचडी हो जाएंगे। इसके पहले तो सारी जो भी तसीलें बताई सब याद भी हैं आपको, सब सुनी भी हैं आपने। 22,000 तो समझ नहीं आ रहा था जो मैं बोल रहा था, 20,000। अच्छा चलो देखता हूँ ठीक है देखता हूँ। मटीरियल परचेज और यूज बराबर नहीं है तो आगे मजीद दो सिनेरियो है। इसकी जो साथ ब्रैकेट में मैंने यहां बात लिखी हुई है ना, आपने ये भी याद रखना है और जो ब्रैकेट से पहले ये भी याद रखना है। हो सकता है सवाल में आपको ये निशानी बताइए, हो सकता है ये बताइए, इसलिए दोनों निशानियां याद रखनी। इसी तरह से इसकी भी ये दोनों निशानियां याद रखनी है। क्या इसका मतलब वो बताता हूं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए कोई मेथड्स पढ़े हैं अब तक? फाइफो वेटेड एवरेज। ये जो फाइफो मेथड या वेटेड एवरेज है, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने का एक तरीका है। एवरेज मेथड में क्या किया जाता है, ओपनिंग और जो परचेजेस हैं, या अगर फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, बल्कि नहीं मटेरियल पढ़ा लो, मटेरियल की बात ही करता हूं। क्लोजिंग मटेरियल की अगर वैल्यूएशन वेटेड एवरेज मेथड से हो तो क्या करेंगे इसमें, ओपनिंग मटेरियल परचेजेस के मटेरियल को सब यूज करके मिला के एक रेट निकाल लेंगे। अगर रेट निकल आया 10.5 तो असल में हो सकता है एक भी यूनिट किलो 10.5 का ना खरीदा हो, ये एवरेज का यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर ये क्यों किया 10.5? बस एक मेथड है, बस सिर्फ एक मेथड है वैल्यूएशन का। जरूरी नहीं है कि जो वेटेड एवरेज मेथड का रेट निकला हो उतने रुपए का कोई एक किलो भी खरीदा हो। जैसे इस क्लास में अगर 100 लोग बैठे हैं और इसकी एवरेज एज निकलती है 18 साल 7 महीने, हो सकता है आप में से एक भी 18 साल 7 महीने का ना हो। तो एवरेज तो होता ही है कि बस कैलकुलेशन के लिए निकाली गई चीज है। तो एवरेज एक मेथड है इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने का। इसी तरह से बास बिजनेसेस इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने का एक मेथड फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट।
ये बिजनेसेस की मर्जी है। अच्छा, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम IS2 नहीं पढ़ रहे हैं, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अगर बिजनेस की मर्जी कि वो मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री FIFO पे वैल्यू करता हो, वेटेड एवरेज पे वैल्यू करता हो, तो ये है। चाहे FIFO हो चाहे वेटेड एवरेज हो, कौन से रेट्स यूज हो रहे होंगे? एक्चुअली यूज हो रहे होंगे ना। FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। अरे तो पता ही नहीं था। होता क्या है भाई? कि जो फॉर द ईयर खरीदे गए थे उनमें से जो आखिर में खरीदे थे वो बचे होंगे स्टॉक में, तो उनका रेट ले लेते हैं। और वेटेड एवरेज क्या है? वो भी उन्हीं सब रेट्स का एवरेज है। तो FIFO मेथड हो, वेटेड एवरेज मेथड हो, उसमें यूज तो इसी का ही हो रहा है ना। तो अगर बिजनेस की मर्जी FIFO या वेटेड एवरेज है, तो इसका मतलब है कि ये सिनेरियो है। और अगर बिजनेस की मर्जी है कि रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, कहां FIFO वेटेड एवरेज निकालते फिरेंगे? अभी वो जो डिस्कशन वन किया आपने, उसमें स्टैंडर्ड 15 रुपए क्या चीज थी? स्टैंडर्ड रखा था कि 1 किलो 15 रुपए का मिलना चाहिए। कंपनी की मर्जी, हो सकता है वो ये तरीका फॉलो कर ले कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की वैल्यू स्टैंडर्ड कॉस्ट पे रखा करेंगे। कंपनी की मर्जी है, कंपनी की मर्जी चाहे ये पॉलिसी फॉलो किया करे चाहे ये पॉलिसी फॉलो किया करे। इन दोनों में फर्क ओके कि नहीं? ओके पहले ये बताता हूं इधर। इफ इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या मतलब है? कि जो ईयर के एंड पे रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होगा 400 यूनिट्स, 400 किलो, तो वो 400 किलो इंटू 15 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 15 वो स्टेशन वन की बात कर रहा हूं। ये पॉलिसी, तो कंपनी की पॉलिसी अगर इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट में मेजर करने की हो तो ये है, और अगर एक्चुअल पे हो तो ये है। और ये आप सवाल में भी ऐसे ही पहचाना करेंगे अगर लिखा हो कि मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट FIFO मेथड या WAFCO मेथड, और अगर स्टैंडर्ड है तो ये। केस वन केस टू का फर्क पहचाना कैसे? मटेरियल जितना किलो इस साल परचेज हुआ और जितना यूज हुआ वो बराबर है तो केस वन, डिफरेंट है तो केस टू। केस टू है तो फिर देखना पड़ेगा कि ए है अभी है। ए क्या है? कंपनी की पॉलिसी है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। केस टू का ए समझा रहा हूं पहले। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला क्या पढ़ा था अभी पहले जो किया? स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू माइनस और इंटरप्रिटेशन क्या थी? के जितने किलो हमने खरीदा कितने का खरीदा और कितने का खरीदना चाहिए था। ठीक है, अब केस टू में क्या हो रहा है? के परचेजेस 10,000 किलो हैं और यूजेज भी 10,000 किलो। केस टू क्या बनाया हमने? तो मटेरियल यूज भी 10,000 किलो हुआ है? नहीं, 9,200 कर लेते हैं। चलो ये केस टू है कि जितना इस साल में मटेरियल खरीदा उतना नहीं उससे फर्क है जो यूज किया। ज्यादा भी हो सकता है? हो सकता है भाई, ओपनिंग भी पड़ा होता है, हो सकता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या यूज होना चाहिए? 10,000 किलो या 9,200 किलो? मटेरियल प्राइस वेरिएंस की इंटरप्रिटेशन क्या है? कि जितने किलो खरीदे इतने के खरीदे, इतने के खरीदने चाहिए थे। हमें एक्चुअल नया रेट किस पे पड़ा है जो खरीदे हैं? तो इस फार्मूले में अब 10,000 और 9,200 में से क्या आएगा? ये प्राइस वेरिएंस है। SC इनटू AQ कौन सा वाला? परचेज इनटू माइनस AC इनटू AQ परचेज। ठीक है, तो प्राइस वेरिएंस का फार्मूला अब ये हो जाएगा। अब ये एक्सप्लेन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये फर्क हो गया ना AQ। यूजेज वेरिएंस क्या था? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, के कितने किलो यूज होने चाहिए थे और कितने किलो खरीदे, कितने किलो यूज हुए। तो यूजेज वेरिएंस में प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस वही है जो कल पढ़ा है, लेकिन अब क्वांटिटी किलोस का फर्क पड़ रहा है। तो प्राइस वेरिएंस में परचेज वाला और यूजेज वेरिएंस में यूज वाला। प्राइस वेरिएंस में 10,000 किलो यूज करेंगे और क्वांटिटी वेरिएंस का फार्मूला होता है, इसको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कहते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी
तो अब यहां पर AQ कौन सा लिखेंगे हम, क्योंकि ये है यूजेज वेरियंस। तो प्राइस वेरियंस में परचेस्ड और यूजेज वेरियंस में यूज्ड, ये फर्क पड़ जाएगा बस। तो ये मैंने आपको ये बता दिया है जी। इंटरप्रिटेशन तो वही है भाई, अभी मैंने क्या इंटरप्रिटेशन बताई थी प्राइस वेरियंस क्वांटिटी वेरियंस की, फिर सुन लें। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस क्या है, कि जो यूनिट्स फिनिश गुड्स के बनाए उनके लिए कितनी मटेरियल कॉस्ट आनी चाहिए थी और कितनी मटेरियल कॉस्ट आई, ये मटेरियल कॉस्ट वेरियंस है। इसके दो टुकड़े हैं कि उसमें से कितना फर्क प्राइस चेंज की वजह से पड़ा और कितना फर्क यूजर चेंज की वजह से पड़ा। इंटरप्रिटेशन यही है। फार्मूले अब थोड़े बदल क्यों गए, क्योंकि इन दोनों में फर्क आ गया, इसलिए फार्मूले थोड़े से चेंज हो गए, वरना मेन कॉन्सेप्ट तो वही है। दूसरा तीसरा डन। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस एक तो है, इन दोनों को सम कर लें, एक ये तरीका है। और एक और तरीका ये भी है, जब इधर आया करूं तो लाइट भी तो ऑन कर दिया कर भाई। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस के हाँ टेस्ट को जो भी पुराना था वो लेते जाइएगा टीयर रूम से। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस ये है कि जितनी फिनिश गुड्स बनी उनके लिए कितना खर्चा आना चाहिए था और कितना खर्चा असल में आया। ये और मटेरियल कॉस्ट किसको कहते हैं, मटेरियल परचेजेस को, मटेरियल कॉस्ट किसको कहते हैं, मटेरियल परचेजेस को, मटेरियल कंज्यूम को। अब से पहले जो पढ़ते आ रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तो जितना कंज्यूम हुआ, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये ठीक है मटेरियल कंज्यूम, ठीक है ये कि नहीं, ठीक है। अच्छा अगर ना समझ आया फिर भी फार्मूला यही है, मैं समझा डराइव करके दे रहा हूँ, फार्मूला करना तो ऐसे ही। अगर ये पता हो कि ये कितने किलो थे तो उसके यूनिट्स आ गए, मटेरियल रॉ ओपनिंग रॉ मटेरियल के किलो आ गए इनटू क्या पॉलिसी है कंपनी की, परचेजेस ये क्यों नहीं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो परचेजेस तो परचेजेस है ना, वो तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्ट, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल के किलो इनटू ये मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का फॉर्मूला। लाइन बंद। एस सी इंटू एस क्यू माइनस ये सारा ब्रैकेट, ये यही है जो इधर बना के दिया। तो अगर केस टू हो और उसमें से ये हो तो मटेरियल कॉस्ट वेरियंस का ये फार्मूला और प्राइस का ये और यूजेज का ये। मुश्किल है ना? Yes, नहीं है तो भी याद तो बेटा करना ही है। देखें इसके मेरे पास कोई ऐसा हल नहीं है कि आपको बैठे बैठे याद हो जाए, याद तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या बताया प्रीवियस, क्या कॉन्सेप्ट था ये, मैंने तो एक डाटा बताया कि 10,000 किलो खरीदा और उसमें से 1,500 किलो यूज हुआ, किस फार्मूले में बताओ उसमें से कौन सा ऊपर किधर है। सीरियसली पूछ रहे तो जरूर पूछो, बोल बोल यार बोल यार। जी जी कौन सा फार्मूला, इतने सारे फार्मूले ना, इनमें से कौन से फार्मूले की बात कर रहे हो, प्राइस वेरियंस की। चलो अब आगे जी। हाँ प्राइस वेरियंस क्या है, कितना फर्क प्राइस की चेंज में, प्राइस का फर्क पड़ा किस पे,
जो खरीदे प्राइस का फर्क किस पे आया है, जो खरीदे तो प्राइस वेरियंस खरीदने पे निकल रहा है। अच्छा मैं आपको सारे फार्मूले समझा भी रहा हूं कोशिश करके पूरी, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि फार्मूले याद तो आपको करने हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि फार्मूले समझ आगे खुद बना लेंगे, नहीं, याद करने पड़ेंगे फार्मूले। अच्छा इसमें ना आप एक और काम ये भी करिएगा कि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा तो अपने नोट्स पे आप सर्कल करके लिख लीजिएगा। अगर सेम चीज बार बार आ रही होगी तो बार बार नहीं बता रहा हूंगा, एक दफा बताऊंगा। जैसे ये क्या चीज है, ये क्या चीज बन रही है? एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। तो हो सकता है आपको सवाल में लिखा मिल जाए एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर, तो उसको यहां लिख लें। ये चीजें भी याद रख लें, ये बात दोबारा सुने, ये फिगर क्या बन रही है? एक्चुअल परचेजेस फॉर द ईयर। तो आप फार्मूले में, आप फार्मूले अच्छी तरह याद करें क्योंकि हमें इसी कागज को बार बार देख के याद करना है, इसलिए इसी कागज पे इसको सर्कल करके लिख लें कि एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है। क्योंकि सवाल में हो सकता है कि आपको टोटल परचेजेस फॉर दी हुई हो, तो उनको यहां लिख लेना बजाय इसके कि पहले उसके किलो बनाए फिर पर किलो रेट बनाए। ये पूरा क्या है? एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर, तो वही फिगर यहां आ जाएगी। तो ये लिखे ना इसको सर्कल करके कि ये एक्चुअल टोटल परचेजेस फॉर द ईयर है। इसी तरह से चलो नीचे बताता हूं, ये सिनेरियो ए, ये उसके तीन फार्मूले, फार्मूले तीन ही है, कॉस्ट वेरियंस, प्राइस वेरियंस और यूजेज वेरियंस। इसमें क्या हो रहा था कि कंपनी की पॉलिसी थी कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना था किस पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और केस टू क्या था, ये क्यों देखना पड़ रहा है हमें? सबसे पहली चीज ये देखनी है मटेरियल के वेरियंस में कि केस वन है कि केस टू है। केस वन क्या है? जितने टोटल किलो खरीदा उतना टोटल यूज हो गया। तो जब केस वन था तो उसमें हमें ये फर्क डिटेल देखने की जरूरत ही नहीं थी। अब केस टू है क्या कि मटेरियल के किलो परचेज और यूज बराबर नहीं है? अगर केस टू है तो फिर आगे दो बातें देखनी पड़ेंगी, क्या कि इन्वेंट्री वैल्यू डेट स्टैंडर्ड कॉस्ट है या इन्वेंट्री वैल्यू डेट एक्चुअल कॉस्ट है। ये क्या लिखा हो फिर, यानी अगर ए और बी है पता नहीं चल रहा तो बाय डिफॉल्ट ये, ए और बी में से बाय डिफॉल्ट ये। इलस्ट्रेशन टू करके आइएगा और ये फार्मूले याद करके आइएगा, हो सकता है मैं किसी को बुला के बोर्ड पे लिखवा लूं। इलस्ट्रेशन टू करके आइएगा। अच्छा इतना टाइम जो मैं मटेरियल के फार्मूलों पे लगा रहा हूं ना, अब ये मेहनत आगे लेबर में ओवरहेड में ऐसे जानी है। अब वहां जाकर मैं फिर से प्राइस वेरियंस वाली बात नहीं समझाऊंगा, वहां पर जाकर मैंने प्राइस की जगह रेट कर देना है, किलो की जगह आर्ट कर देना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।